हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। आज जन्माष्टमी का दिन है और शाम हो चुकी है। अभी मैं उठा हूँ क्योंकि सुबह से फीवर था, और फीवर इसलिए था मुझे पता है क्योंकि मेरे इस वाले तरफ काफ़ी दर्द हो रहा था। दर्द का मतलब दाढ़, पहली बार दर्द की है मेरी, आज तक कभी नहीं करी है, और इतनी ज़्यादा कर रही थी मतलब कि फीवर आ गया। और फीवर आ गया तो बस आज छुट्टी कर दी, बच्चों को पढ़ाने भी नहीं गए। और पढ़ाने नहीं गए दो रीज़न हो गए, बाद में बारिश भी झमाझम हो गई। अगर हम ना छुट्टी करते तब भी बारिश की वजह से ना जा पाते। तो एक चीज़ और है, हमारे घर में आज मैगी बन रही है। सब लोगों ने प्लान बना लिया क्योंकि आप देख रहे हैं ना, पीछे मौसम हरा भरा हो गया और पानी भी दिख रहा होगा क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों की हुई है। और इतने ठंडे मौसम में दो ही चीज़ें याद आती हैं, पकौड़ी, चाय या फिर मैगी। तो सबका ऑप्शन रहा कि भाई वेजिटेबल वाली मैगी बनेगी और बस मैगी खाई जाएगी। और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मेरा फीवर उतरा है, तो चलने में बाहर ठंडे मौसम में वो भी बिना स्लीपर के काफ़ी मज़ा आती है। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगी आपको। बारिश के बाद नंगे पैर घास में चलने का अलग ही मज़ा है, पर अभी नहीं जाएंगे, पता चले ठंडा गर्म होकर फिर से फीवर वापस आ गया, चलो भाई चलो, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो बस अब मैगी की तरफ जाने का विचार नहीं है, क्योंकि मैगी की तरफ जाएंगे तो खाने का मन करेगा और दाढ़ के अब नहीं मज़े हैं, है ना? तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग भी अपने अपने घर में इंजॉय कर रहे होंगे आज इस बारिश के मौसम में, कुछ ना कुछ बना ही रहे होंगे, है ना? हमारे घर में देखिए सब अपना अपना इधर उधर कर रहे हैं। इधर उधर का मतलब है मनीष को मिला है काम भाई मैगी बनाने का, और शानू जो है वो अपना टॉय बनाने में मस्त है, और मिस्टी भी अपना खेलने में। चांदनी घर के अंदर लेटी होंगी और रोशनी मिस्टी को खिला रही है। ये देखिए क्या बेटा, वो बैठा हुआ है। मिस्टी बेबी को ले आओ भाई, मिस्टी बेबी को भी ले आओ। देखिए आप लोग को मिस्टी बेबी से भी मिला देता हूँ। मिस्टी बेबी आज बाहर बहुत देर से बारिश का मौसम का आनंद ले रही है। ये देखिए मिस्टी बेबी, हेलो मिस्टी बेबी, ओ बातें कर लो, कुछ बोल दो, हेलो कैसे हैं आप लोग, गुड इवनिंग मिस्टू। ये है मिस्टी बेबी और ये आ गए हैं आदिशान। आदिशान, क्या आप कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए हमारे पास ये है। ये क्या है? ये है वो पिकाचू। पिकाचू है। आप क्या कर रहे थे बाबू? हम इतने देर से कुछ खेल रहे थे। खेल रहे थे? हाँ, लिखाई भी करी थी। अच्छा, लिखाई कर ली? हाँ, सुबह तक पढ़ाई कर ली आपने? पढ़ाई भी नहीं हुई। पढ़ाई नहीं हुई, लिखाई हो गई। यस, पढ़ाई तो आना ही हुई। यस, मेरे बाबू सही बोलता है, लिखाई हो चुकी है, पढ़ाई अभी थोड़ी देर बाद होगी। ओके आदिक, वेरी गुड, बाय बाय। तो बस भाई ये मामला चल रहा है अपने घर का। पानी का, पानी का, अब पानी को दिखा दीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, पानी दिखा दिया है, दोस्तों ने पानी देख लिया है। दोस्तों को पानी दिखा दीजिए। तो भैया बस बढ़िया है, अब मैगी की तरफ तो आप लोग को लेके नहीं चलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैगी बन रही है इधर आगे से, राइट में किचन है ना हमारा, वहीं पर बन रही है। क्या बताएं, मैगी बन रही है। छोटे मामू कहाँ हैं? छोटे मामू नहीं, पता चला। अच्छा, हमें तो पता चल रहा है बेटा, यहीं पे हमें लग रहा है कुछ काम हो रहा है। देखो किचन में चलते हैं। अरे यार, आज ही दांत में दर्द है और आज ही, ये देखो आप पहचानते होंगे, आप सब लोग इनको, इनको तो जानते ही होंगे ना। ये देखिए, हाँ यही तो, ये देखो भाई टमाटर यहीं रह गए हैं अभी, बाकी मटर और गाजर और प्याज भून रहा है मजे से। तो मैगी बनने की तैयारी हो रही है भाई, मैगी बनेगी, हम कैसे खा पाएंगे आज पता नहीं चल रहा है। और डॉक्टर इंतज़ार कर रहे होंगे, बताओ बारिश हो रही थी, टाइमिंग चेंज कर दिए हैं, क्या होगा कैसे पता नहीं चल रहा है, बस बाहर का मौसम देखिए कैसा है। तो ये मनीष भाई हैं, मैगी बना रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है भाई? क्या बेटा, कहाँ कहाँ जंप कर रहे हो बेटा, ऐसा नहीं करते मिस्टू। बेटा यहीं कहीं होगी, ये देखो सब फैला के चले गए हैं। ये मिस्टू बेटू क्या कर रहे हैं? मिस्टू मिस्टिक, सही बात है,
ये है मस्तू की मम्मी।